नमस्कार दोस्तों, G5 मीडिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, आज का टॉपिक है EGR। इस टॉपिक के अंतर्गत हम यह जानेंगे EGR का फुल फॉर्म क्या है, उसकी नेसेसिटी क्या है, एडवांटेज क्या हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है और यह किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों, EGR का फुल फॉर्म एग्जास्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम है। अब हम इसकी नेसेसिटी की बात करें तो रिड्यूसेस द इंजन हीट लॉस बाय लिमिटिंग मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि यह इंजन के मैक्सिमम टेम्परेचर को एक निश्चित सीमा में करके इंजन के हीट लॉस को कम करता है। दूसरा, रिलेटिव लो व्हीकल इमिशन टू कंप्लाई विथ इमिशन नॉर्म्स, यानी कि इमिशन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए यह व्हीकल के इमिशंस को कम करता है। अब हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका पहला एडवांटेज है लो टेम्परेचर। EGR सिस्टम से इंजन का टेम्परेचर डाउन हो जाता है क्योंकि इसमें CO2 गैस को कंबसन चैम्बर के अंदर भेजा जाता है, जिससे उसका इंजन का टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि CO2 गैस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार से इंजन का जो टेम्परेचर है वह लो रहता है। और दूसरा है लो नॉक्स इमिशन। इंजन का टेम्परेचर डाउन हो जाने से नॉक्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं इंजन का टेम्परेचर बढ़ने पर नॉक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इंजन का टेम्परेचर कम होने पर नॉक्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है क्योंकि नॉक्स गैसेस ज़्यादा टेम्परेचर पे ही बनती हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो साधारणतया इंजन के साथ उसके एग्जास्ट मैनिफोल्ड से कैटेलिक कन्वर्टर लगा होता है, जबकि EGR सिस्टम में एग्जास्ट मैनिफोल्ड और कैटेलिक कन्वर्टर के बीच में EGR वाल्व लगाया गया होता है। EGR वाल्व का दूसरा सिरा इनटेक मैनिफोल्ड से जुड़ा होता है। यह EGR वाल्व वैक्यूम के ऊपर एक्चुएट होता है और वैक्यूम को प्राप्त करने के लिए हमें इसका एक कनेक्शन थ्रॉटल बॉडी से देना पड़ता है, यानी कि इसमें वैक्यूम को प्राप्त करने के लिए या वैक्यूम से एक्चुएट करने के लिए इसका कनेक्शन हम थ्रॉटल बॉडी से देते हैं। अब हम इसके वर्किंग की बात करें, EGR सिस्टम के वर्किंग की बात करें तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर यह EGR वाल्व जो कि स्प्रिंग लोडेड रहता है क्लोज रहता है और जो एग्जास्ट गैस है वो सीधे कैटेलिक कन्वर्टर के अंदर जाती है। लेकिन जब इंजन का RPM 2500 से ऊपर होता है तो इंटेक मैनिफोल्ड के वैक्यूम के कारण EGR वाल्व खुल जाता है और एग्जास्ट गैसें सीधा EGR वाल्व से होते हुए इंटेक मैनिफोल्ड में आ जाती हैं और इंजन में जा कर के इंजन के टेम्परेचर को डाउन कर देती हैं क्योंकि हम ऊपर जान चुके हैं कि जो एग्जास्ट गैस में जो CO2 मौजूद है वह इंजन के टेम्परेचर को कम करता है। और हम ऊपर ये भी बता चुके हैं कि इंजन का टेम्परेचर डाउन होने पे नॉक्स का प्रोडक्शन कम होता है। इस प्रकार से यह EGR वाल्व 2500 RPM से ऊपर ओपन हो जाता है और इससे एग्जास्ट गैसेस इंजन में जा कर के उसके टेम्परेचर को कम करती हैं और टेम्परेचर कम होने के कारण नॉक्स का प्रोडक्शन भी कम होता है। थैंक यू दोस्तों।